पिछले एपिसोड में हम भगवान जगन्नाथ के दर्शन नहीं कर सके थे, लेकिन हमने आपको दिखाई थी जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए किस तरीके से तैयारियां की जाती हैं और कितना सुंदर और कितने दिनों में बन पाता है भगवान का रथ। और हमने आपसे वादा किया था कि अगले वीडियो में आपको जगन्नाथ मंदिर, भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर और दुनिया भर में रचनात्मक शक्ति का गवाह माना जाने वाला कोणार्क का सूर्य मंदिर दिखाएंगे। तो एक बार फिर हम पहुंच गए ओडिशा महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन के लिए। भुवनेश्वर से करीब 1.5 घंटे के खूबसूरत से सफर के बाद हम पहुंचे पुरी। आप चाहें तो फ्लाइट से भुवनेश्वर होकर पुरी आ सकते हैं या ट्रेन से डायरेक्ट पुरी भी पहुंच सकते हैं। मंदिर से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन है। अगर आप पुरी की यात्रा प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए। आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा कि पहले आप जगन्नाथ मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, मंदिर दर्शन के बारे में जरूरी जानकारी लें। ठहरने के लिए इसी वेबसाइट पर जगन्नाथ मंदिर के ही गेस्ट हाउस और धर्मशाला बुक कर सकते हैं, जो कि बेहतरीन विकल्प हैं, क्योंकि बहुत सस्ते दाम पर और मंदिर के बहुत करीब ये धर्मशालाएं बनी हुई हैं। शाम के वक्त पुरी बहुत सुंदर नगर लगता है। मंदिर जाने से पहले आप अपने जूते, मोबाइल और जरूरी सामान मंदिर के बाहर ही जमा कर सकते हैं। शाम ढलने के साथ ही हम भी मंदिर की ओर रवाना हुए। पिछली बार हम दर्शन नहीं कर सके थे, इसलिए एक बार फिर हम दर्शन करने आए हैं भगवान जगन्नाथ के, और बताते हैं दर्शन करने के बाद कि कैसा रहा हमारा अनुभव। मंदिर में जाने के लिए कतार लगी हुई थी। आपको एडवाइस है कि या तो बिल्कुल सुबह या देर रात दर्शन करने के लिए आइए, ज्यादा आसानी होगी। जय जगन्नाथ। हम जगन्नाथ धाम का दर्शन कर चुके हैं और इसके बारे में आपको यही बताना चाहूँगा, बड़ा ही अद्भुत दर्शन था, बहुत ही एक शानदार अनुभव था। श्रद्धा का केंद्र जरूर है, लेकिन जब आप आए तो एक जरूर चीज ध्यान रखिएगा, सिर्फ जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं है, कई मंदिर हैं अंदर। अब आपके पास कितना समय है ये समय लेकर आइएगा। साथ ही एक और खास बात आपको बताना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा कमर्शलाइज जो मंदिर लगा मुझे भारत में, जहाँ हर जगह आपको पैसे की ज़रूरत है, हर जगह आपको 10, 5, 50, 100 जितने आपसे ले सकता है पंडा उतने पैसे ले लेगा, तो आप उस जगह थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन कुल मिलाकर एक बेहतर अनुभव है, बेहतरीन एक्सपीरियंस है। ये हमारे पास बाकी था कि हम जगन्नाथ मंदिर के दर्शन कर सकें, और आप देख सकते हैं वो पताका लगातार निशान से फहरा रही है उस मंदिर के ऊपर, जो हजारों सालों से जिसका गर्व है भारत के हिंदू और सनातन संस्कृति का प्रतीक। पुरी उड़ीसा के पर्यटन का मुकुट रत्न है, क्योंकि यहाँ मंदिर, मठ और समुद्र तट सभी एक ही छत के नीचे हैं। हम दर्शन करने के बाद निकल पड़े पुरी की सड़कों पर घूमने के लिए। घुमक्कड़ हैं तो समंदर किनारे लगे बाजार आपको आकर्षित करेंगे। हालांकि रात में बीच का आनंद नहीं है, तो अगले दिन नॉर्थ इंडिया से आने वालों के लिए जो कि बहुत आकर्षक लगता है वो है बीच। हम निकल पड़े गोल्डन बीच की तरफ। गोल्डन बीच पर आप कुछ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी का भी मज़ा ले सकते हैं, और समंदर के आगे सुनहरी रेत आपको बहुत आनंदित करेगी। खूबसूरत बीच है, लेकिन हमें निकलना था कोणार्क, इसलिए हम निकल पड़े अपने सफर पर। पुरी से कोणार्क करीब 35 किलोमीटर है, लेकिन सिंगल रास्ता है, सिंगल रोड है, तो आपको करीब 1.25 घंटा लगेगा। लेकिन अगर आप उड़ीसा आए हैं घूमने तो पुरी के साथ कोणार्क जरूर आएं, और कोणार्क अगर आए हैं तो पुरी जरूर जाएं। अपने आप में बहुत बेहतरीन है। दिखा दूं आपको समंदर का नज़ारा यहाँ, जो कोणार्क हम लगभग पहुँच चुके हैं, करीब 4-5 किलोमीटर बचा है, तो अगर आप आए हैं तो दर्शन करिए। सूर्य देवता का मंदिर है यहाँ पर, लेकिन अब वहाँ पर भी सूर्य की मूर्ति नहीं है, लेकिन जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उनमें शुमार है। तो कोणार्क हम चल रहे हैं, कोणार्क आपको भी दिखाते हैं। उड़ीसा के शानदार समुद्र तट के साथ ही एक अविस्मरणीय यात्रा के लिए आपको कोणार्क जाना ही होगा।
पुरी के पवित्र शहर से लेकर कोणार्क के वास्तुशिल्प चमत्कार तक ये सड़क यात्रा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक सुंदरता का एक अनूठा जोड़ है। आइए आपको लिए चलते हैं कोणार्क। यह सूर्य मंदिर है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1984 में घोषित हुआ। मंदिर पहुंचने पर पहले आप ऑडियो विजुअल तरीके से इस म्यूजियम में कोणार्क सूर्य मंदिर के अलावा कई जानकारियां ले सकते हैं। इसके लिए आपको ₹50 का एक अलग टिकट लेना होगा। सूर्य मंदिर के गेट के बाहर ASI के काउंटर से टिकट लेकर आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। टिकट लेने के बाद हम आगे बढ़े उस मंदिर की तरफ जिसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि ये ऐसी जगह है जहां पत्थर की भाषा के सामने इंसान की भाषा बहुत छोटी लगने लगती है। इस मंदिर को 13वीं सदी में राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। अब हम जिसके सामने हैं है कोणार्क टेंपल और आप देख सकते हैं इस मंदिर का नजारा। हमारे गाइड साहब ने इस मंदिर के बारे में विस्तार से बताया, आप भी सुनिए। लेकिन चंद्रभागा के बाद में सर ये जगह का नाम कोणार्क क्यों रखा है? ना कोण होता ज्योमेट्रिकल ट्रायंगल, त्रिकोण बोलते आर्क मीनिंग होते सूर्य, कोण प्लस आर्क इक्वल टू कोणार्क। आप हमारे भारत में जितना है टेम्पल जाएंगे हर टेम्पल के सामने दो ही चीज़ देखेंगे, कहीं हाथी तो कहीं शेर। लेकिन कोणार्क में तीन चीज़ें, नीचे का आदमी है, आदमी हाथी शेर। आदमी, अच्छा ये आदमी नीचे आदमी है, आदमी के ऊपर में हाथी है, हाथी के ऊपर में शेर है। सर शेर होते दुर्गा माता की बाहर क्या देवी सर्वभूते, हाथी होते ऐश्वर्या का जलत में पैसा। आदमी के पास पैसा रहता है दो चीज़ होने से क्या होता है, न घमंड अहंकार गर्व होता है। इसीलिए भगवान क्या करते हैं ना आदमी को नीचे विनाश करते पतन करते तरीको प्राउड हो जाता आदमी। 12 साल मंदिर को लगा बनाने के लिए सर, 1200 कारीगर, 40 करोड़ सोने का सिक्का खर्चा हुआ। 1238 में बनाया, 1250 में मंदिर कम्प्लीट किया। उड़ीसा के राजा लंगूड़ा नरसिंह देव, गंगा वंश के राजा गंगा डाइनिस, जिला आता है कटका के खुर्दा डिस्ट्रिक्ट के। बाबू जी इसमें छोटे बड़े मंदिर चार है, पहले का नाम होता नृत्यशाला डांसिंग हॉल, इसके चारों बाजू 128 के डांस के मुद्रे बनाए हैं, मणिपुरी त्रिपुरा गरबा उड़ीसा कथकली भरतनाट्यम। मतलब ये पूरा भारत एक तरह से यहाँ पर बनाया गया जो डांस के फॉर्म है कहाँ है ये देखिए, अभी हमारे गुजरात में नवरात्रि का दांडिया गरबा, गुजरात की नवरात्रि की दांडिया गरबा है, ये सर उड़ीसी है, ये संबलपुरी का झुमरी है, ये ढोल बजा रहा है मणिपुरी है सर, ऊपर में देखिए कथकली है, ऑलराउंडर 128 डांस में। तो आप देख सकते हैं संपूर्ण भारत की झलक। और कुछ लोग कहते हैं कि अभी इंडिया इज नॉट अ नेशन सर, अभी हम लोग टीवी देखते हैं महिला लोग को बॉक्सिंग करते हैं, रेसलिंग WWE लेडीज बॉक्सिंग 850 साल पहले तरह आज भी। अच्छा अभी हम लोग सर देखते हैं मतलब तब की मेरी कॉम है ये सर, कोई ये नहीं है, ये वो इंडिया जी गोल्ड जी वर्ल्ड जी गोल्ड बोलते हैं ना उसी तरह सर ये बनाया है, ये पूरी जीवन का लाइफ के ऊपर बनाया है। इसके अंदर में बनाया गया 8 स्पोक एक टूट गया है, 8 स्पोक का मीनिंग होता है 8 पहर, 1 पहर 3 घंटा, 8 3 24 घंटा, हर स्पोक 4 स्पोक 3 घंटा, बीच का 1.5 घंटा है और इसमें मिनट काउंटिंग है। ये जो साइड में जो छोटा छोटा गोली आप देख रहे हैं ये गोली होता है 3 मिनट का है और ये सेंटर से जो सेंटर है पूरा 60 गोली है, 16 × 3 180 मिनट है, 3 घंटे का डिपेंडेंट है। अच्छा सुबह सूर्य निकलेगा पहले पूरब दिशा से, पहले वो बीच का एक्सल में गिरेगा, इसकी पर्चा आ जाएगा, ये हो गया सुबह का 6, बीच का 7.5, 9, 10.5, 12, 1.5, 3, 4.5। और ये देखिए एक पीस निकल गया अंदर में, देखिए जो काला काला दिखाई दे रहा है ये सर आयरन क्लैंप लोहा विस्तो, ये अंदर में देखिए काला काला जो है ये सब आयरन क्लैंप लोहा है, 850 साल की लोहा जंक नहीं पकड़ता, बड़े बड़े लोहा मंदिर में लगाए, मैं आपको दिखाऊंगा। और सामने जो टूटा वाला मंदिर देख रहे खंडित है ना, ये सूर्य की पत्नी की मंदिर है, छाया देवी शनि की माँ। अच्छा ये खंडित हो गया, लेकिन सूर्य भगवान की 2 पत्नी है, छाया और संध्या, छाया का बेटा शनि, संध्या का बेटा यमराज, बेटी होती है यमुना। हालांकि गाइड साहब का वीडियो काफी लंबा हो गया था तो हमने काफी एडिट किया। अगर आप चाहते हैं कि एक अलग सेपरेट वीडियो कोणार्क और गाइड साहब के वर्णन के बारे में अपलोड करें तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये मंदिर दिन में जितना सुंदर लगता है उससे ज्यादा सुंदर रात में लगता है और एक लाइट एंड साउंड शो भी यहाँ पर 6 बजे के बाद होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये मंदिर, दरअसल इसकी जो पीछे टूटा हुआ जो भाग है ये करीब 127 फीट का है और इसके पीछे जो टूट चुका है भाग वो 227 फीट का है कथा बल्कि। तो ये जो सूर्य मंदिर आप देख रहे हैं ये तो पूरी दुनिया में मशहूर है,
लेकिन इसके अलावा भी भारत में अगर हम मार्तंड सूर्य मंदिर, जो कि पूरी तरीके से खंडहर बन चुका है, वो सूर्य मंदिर मौजूद है। देश में कई जगह सूर्य की पूजा होती है। इसके अलावा दुनिया में भी सूर्य पूजा के कई एग्जाम्पल मिलते हैं, चाहे हम इजिप्ट में बात करें या फिर बीजिंग में बात करें। तो सूर्य पूजा देश भर में होती रही है, भारत में तो सूर्य पूजा का अपना विशेष महत्व है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पर आए हैं तो ज़रूर देखिए, बेहद शानदार, लाइट में भी बहुत शानदार लगता है, दिन में भी अगर आप आएंगे यानी सनलाइट में, तब भी बेहद खूबसूरत, रचनात्मक शक्ति और कल्पनाशीलता का अद्भुत नमूना है ये सूर्य मंदिर। साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी इसमें साफ दिखाई देता है। कोणार्क की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद हम वापस पहुंचे भुवनेश्वर, जहां हमने लिंगराज मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करे। हम अब जा रहे हैं भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर। अगर आप पूरी और कोणार्क की यात्रा कर रहे हैं तो यहाँ ज़रूर आइए। लिंगराज मंदिर अपने आप में एक बड़ा स्थान है, यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। भगवान शिव का जो शिवलिंग है वो अंदर विराजमान है। तो ऐसे में जब आप यात्रा कर रहे हैं, और यात्रा भी तभी पूरी मानी जाती है जब आप लिंगराज मंदिर के दर्शन कर सकें। लिंगराज मंदिर वैसे तो भगवान शिव को ही समर्पित है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान शिव और विष्णु दोनों ही विराजमान हैं। एक सलाह है, आप गर्मियों में, जो भीषण गर्मियां हैं, उसमें आना उड़ीसा अवॉइड करिए, बहुत मुश्किल होगी। उड़ीसा आए तो भुवनेश्वर के बीचों बीच एकाम्र हाट जरूर आइए। यहाँ पारंपरिक ग्रामीण बाजार, लोकल फूड और शॉपिंग के लिए बेहतरीन विकल्प है। उड़ीसा आइए तो यहाँ का लोकल फूड जरूर ट्राई करिए। पखाल भात, दही बड़ा थोड़ा डिफरेंट, हम तो खा रहे हैं। यहाँ से आप हैंडीक्राफ्ट मटेरियल, लोकल क्यूजीन, सब कुछ एक ही छत के नीचे पा सकते हैं। भुवनेश्वर का एकाम्र हाट, यहाँ जरूर आइए अगर आप आते हैं। आमतौर पर शॉपिंग वाली जगह मैं जाता नहीं हूँ, लेकिन खाना खाने के लिए उड़ीसा का मशहूर जो भोजन है, जो यहाँ के लोकल फूड हैं, लोकल क्यूजींस हैं, उसके लिए आप यहाँ ज़रूर आ सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ की जो ट्राइबल कल्चर है, इसके अलावा जो यहाँ का हैंडीक्राफ्ट है, शॉपिंग आपको करनी है तो उसके लिए भी बहुत मुफीद जगह है। तो यहाँ आप ज़रूर आइए, मैंने भी कुछ शॉपिंग की है और आप भी कर सकते हैं। उड़ीसा की हमारी यात्रा में इतना ही। ऐसे वीडियोस बनाने में हमें बहुत समय, संसाधन और मेहनत लगती है। आप सिर्फ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन कर सकते हैं।